क़यामत के दिन हर इंसान के गुनाहों पर 8 गवाह पेश होंगे। पहला गवाह जिस जगह बंदे ने गुनाह किया होगा, उस ज़मीन का टुकड़ा क़यामत के दिन उसके खिलाफ गवाही देगा। दूसरा गवाह वो दिन भी गवाही देगा जिस दिन बंदे ने गुनाह किया होगा। तीसरा गवाह क़यामत के दिन उसकी ज़बान गवाही देगी। चौथा गवाह इंसान के जिस्म के बाकी अज़ा, हाथ पांव, ये भी गवाही देंगे। पांचवा गवाह वो फरिश्ते जो तुम पर निगरान मुकर्रर हैं, जो मोअज़्ज़ज़ हैं, लिखने वाले हैं, जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं। छठा गवाह वो नामा अमल जो फरिश्ते लिख रहे हैं, तो ज़बान भी गवाही देगी और नामा अमाल भी दिखाए जाएंगे। सातवां गवाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गवाह होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे भी गवाही मांगेंगे। आठवां गवाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, जो तुम गुनाह करते हो हम क़यामत के दिन उस पर गवाह होंगे, हमारे गुनाहों पर अल्लाह खुद गवाह होगा। अल्लाह क्या आलम होगा, या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को बख्श दे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।